Assalamualaikum, Sashrikal, happy together. That means, of course, if you are together, it has to be a happy moment. Well, मैं finally program शुरू करके बहुत excited हूँ क्योंकि आज जब program शुरू हुआ तो उससे शुरू होने से makeup से लेके अभी तक बिस्ती हुई थी ना पहले कपड़े पे makeup फिर मैंने एक बहुत बड़ा clip लगाया था खैर long story let's forget that let's start the program officially और सबसे पहले एक काफी मजेदार खबर ये है कि लिंसे लोहन ने actually एक Paris Fashion Week you know लिंसे लोहन the actress teenagers में तो काफी famous है So, you know, वो पेरिस में एक फैशन शो जो डिजाइनर थी जिनका नाम था एस्ट्रेला आर्चिस सो यू नो शी प्रेजेंटेड अ कॉन्सर्ट एंड लिंसे लोहन वाज अ रैंप मॉडल शो स्टॉपर एंड ऑल सो द शो वेंट रियली वेल सो लिंसे लोहन मॉडलिंग करेंगी आई डोंट नो शी इज बेसिकली एन एक्ट्रेस बट खैर ऑल द बेस्ट टू हर अच्छा खैर नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज एज यूजुअल लाइन पे आओ इफ़ यू रिमेंबर तो आपको पुराने प्रोग्राम में हमने सना के बारे में एक खबर सुनाई थी कि सना जो है वो एक्चुअली सैयद नूर को यू नो और मसूद बट को एक्यूज़ करी है कि उन्होंने उनके पैसे नहीं दिए सो यू नो हमने रिमेंबर आपको लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि वी आर गोइंग टू ट्राई टू गेट दीज पीपल ऑनलाइन सो टुडे वी हैव देम ऑनलाइन यू नो द मूवी वॉज नच के यार बनाना और सैयद नूर उसके डायरेक्टर थे और मसूद बट उसके प्रोड्यूसर थे सैयद नूर वॉज इन इस्लामाबाद हमने बहुत कोशिश की कि उनका नंबर हमें मिल जाए पर नहीं मिला सो खैर हमने क्या किया कि वी ट्राई टू टॉक टू सना सो लेट्स गो टू सना फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आस्क हर कि क्या प्रॉब्लम है मसला क्या चल रहा है अस्सलाम वालेकुम सना आप हमें प्लीज ये बताएंगे सुना है कि आप यू नो किसी मूवी में नच के यार मनाना आई बिलीव उसमें आपको सही पैसे नहीं मिले या आपकी प्रॉपर पेमेंट नहीं क्या इशू है प्लीज बताएंगे बताएंगी मेरी कुछ अमाउंट ड्यू है जो कि उन्होंने देनी है और वो कर दिया कि जी दे देंगे एंड अभी फिल्म रिलीज हो गई है इस वजह से वो थोड़ा सा जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस वजह से बना सो आपने फिल्म कितने पैसे में साइन की थी ये मेरा और कंपनी की अपनी डीलिंग है ठीक है ना आई डोंट वांट टू के ये इतने में किया था उतने में किया था बट अमाउंट इज ड्यू सो आपने इन डायरेक्टर के प्रोड्यूसर के अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन वगैरह भी दी है हाँ जो भी थ्रू प्रॉपर जो वे है वो मैंने किया हुआ है सो आप मुझे ये बताएंगे सैयद नूर या मसूद बट इनमें से मेन कैरेक्टर कौन है जिसने आपके पैसे खाए दोनों का ही है मेजर कैरेक्टर है दोनों इसमें मेन हीरो हैं दोनों ही जिम्मेदार हैं ओके सो दैट वाज सना और वो ये कह रही हैं कि उनके पैसे जनाब पता नहीं क्या पहले कोई और पैसे तय हुए बाद में कोई और पैसे हो गए एंड ऑल दैट सो हमने ये सोचा कि खाली एक साइड का एंगल तो हमने देना नहीं है सो व्हाई डोंट वी गो एंड टॉक टू मिस्टर मसूद बट जो एक्चुअली प्रोड्यूसर है मूवी के और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने सना के पैसे खाए कि नहीं खाए सो अस्सलाम वालेकुम सर आप प्लीज़ हमें ये बताएं कि सना कह रही हैं कि आपका और उनका कोई पेमेंट का इशू है आपने उनको पैसे पूरे नहीं दिए इज दैट ट्रू कुछ नहीं ऐसे बकवास करती है वो लाख रुपए की साइन थी 3 लाख रुपए ले गई और 2 लाख रुपए ब्लैकमेल करके जब शूटिंग शुरू की कहती है मैंने नहीं करना काम लाख रुपए की साइन थी मेरा 2 लाख कर दो 2 लाख कर दिया जब आधी फिल्म बन गई कहती मेरा 3 लाख कर दो उसका 3 लाख कर दिया उसके बाद वो पता नहीं अब क्या बकवास कर रही है तो उन्होंने आपके खिलाफ कोर्ट में एप्लीकेशन वगैरह भी दी है कोई वैल्यू नहीं उसके कोर्ट के केस की तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के साथ यही कुछ करती है सबके साथ ऐसे ही करती है और चीटर औरत है ओके आप गालियां मत दें मतलब आप एक खातून से बात कर रहे हैं ऑलराइट सो अब आपने इसको बेचने का फैसला कर लिया मतलब सना के भी सीन्स वगैरह आपने सुने एडिट किए बीच में से कट हुए कोई सीन्स बकवास करती है कोई सीन नहीं काटा हमने अगर काटे भी हैं तो उस काबिल ही नहीं है उसके जो फालतू थे जो ड्रैग करते थे वो लोगों को पसंद तो है नहीं उसकी तो हमने निकाले उसके जो वो ड्रैग करती थी जो उसका हमने सारे काम निकालना था तकरीबन अभी वो बच गया है हमारा मुझे दैट वाज मसूद बट और वो शदीद तो एक छोटा लफ्ज है शदीद का भी बड़ा लफ्ज क्या होता है शदीद तरीन गुस्से में लग रहे थे यू नो ही सीम्स वेरी एंग्री सो आई डोंट नो अब यहाँ पे सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है लेकिन यू नो सैयद नूर से तो आपको बताया वी कुडंट स्पीक टू हिम लेकिन खैर आप लोग पीपल आर बेटर जजेस यू नो मसूद बट कह रहे हैं कि पहले भी वैसे करती हैं और डायरेक्टर्स के साथ भी ऐसे करती हैं अगर वो करती हैं तो खैर यू नो शी वुड बी बेयरिंग द प्राइस हरसेल्फ ऑब्वियसली आपकी रेपुटेशन का मामला होता है प्रोफेशनलिज्म का मामला होता है पीपल डू नॉट ट्रस्ट यू अगैन काफ़ी सारे सीन होते हैं अच्छा खैर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनलिज्म सो आई हैव दिस लिटिल वीडियो क्लिप टू शो यू जो आप सब देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाइट ऑफ कमिटमेंट क्या होती है सो गो एंड हैव अ लुक एट दिस वीडियो फुटेज नाना विधि भूषिता
that is what we actually call the height of commitment. So, you know, all the people related to media profession, especially in media, mein aake log bahut dheele pad jate hain. This is what you call a good example. So, here all the best, Qual sahab. I hope ki ab aap theek honge aur wapas, you know, aaram se kaam pe aa rahoge. अच्छा खैर, नाउ एक और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो आजकल फैल रही है वो ये है कि जो एक मॉडल है एक्चुअली जिनका नाम है फौजिया, यस फौजिया, वो आजकल यू नो शी इज़ कमिंग टूवर्ड्स एक्टिंग एंड शी इज़ प्रूवन हरसेल्फ टू बी वेरी गुड. आपने मेरे दुपट्टे के ये देखे, दे आर रियली क्यूट. अच्छा खैर, फौजिया इज़ एन एक्ट इज़ अ मॉडल जो कि यू नो रैम पर तो शी वॉज वेरी फेमस, लेकिन उन्होंने यासिर नदीम जो भी हुए हैं जिनका प्रोग्राम है नादिया द ड्रामा, उसमें उन्होंने एक्ट किया एंड शी प्रूव्ड हरसेल्फ वेरी वेल. और अब वो ना ज़्यादा एक्टिंग की तरफ आना चाह रही है. वैसे मुझे भी काफ़ी एक्टिंग ऑफर्स आ रही है आपको, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं एक्टिंग करने का. मैंने एक्टिंग की तो मेरे माँ बाप मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और मेरे पास सोने की और कोई जगह नहीं है. अच्छा, इसके अलावा ओल्ड इज़ गोल्ड की क्या बात थी. अच्छा, एक और हमने खबर सुनी कि सैयद नूर जो हैं अब वो एक नई मूवी बना रहे हैं. हम सोच रहे थे कि काफ़ी दिनों से सैयद नूर आउट ऑफ सीन क्यों है, तो हमें पता चला कि वो एक नई मूवी बना रहे हैं और उस नई मूवी के लिए वो एक यू नो नए टैलेंट ढूंढ रहे हैं. सो वी वर रियली हैप्पी, वी थॉट वाह दिस इज़ अमेजिंग. अच्छा, सुनने में ये भी आया कि डिफेंस लाहौर में उनका जो डिफेंस वाला थिएटर है, सिनेमा एक्चुअली, वहाँ पर ना ऑडिशन वगैरह भी हुए. सो व्हाट वी हर्ड, वी वर रियली एक्साइटेड. मेरे का शुक्र है सैयद नूर, यू नो बड़े स्केल के डायरेक्टर हैं, काफ़ी काम करते हैं. तो अगर ऐसे डायरेक्टर्स भी यंगस्टर्स को चांस देंगे, सो दैट वाज वेरी इनकरेजिंग. खैर हुआ क्या, हमें पता लगा कि जनाब वहाँ पर सारी जो है ना ऑडिशंस वगैरह चल रहे हैं. ऑल ऑडिशंस के बाद सम ऑफ द पर्सन हु इज़ एक्चुअली देयर एट द ऑडिशंस, उसने ये बताया कि एक हैरान कन बात ये कि सारे जो लड़कियाँ ऑडिशन के लिए आई, दे वर ऑल बिटवीन द एज ऑफ 18 to 20. मतलब अब यू नो यूरोप वगैरह में ऐसे होता था कि इतनी यंग एज में लड़कियाँ एक्टिंग की तरफ आ जाती थी, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसा होना शुरू हो गया. वेल आई डोंट नो, ये एक अच्छा स्टेप है या बुरा स्टेप है, लेकिन यार एक बहुत ड्रास्टिक सी चेंज है. अच्छा, पार्ट बी एंड द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस स्टोरी इज कि हमने सुन, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम भी बहुत एक्साइटेड है सैयद नूर नए लोगों को ला रहे हैं, तो हमें पता क्या लगा कि लीड में कौन है मूवी की, कौन हो सकती है, जस्ट एक वाइल्ड गेस कि कौन सी एक्ट्रेस सैयद नूर की मूवी में लीड हो सकती है. वेरी राइट, इट वॉज वंस अगैन साइमा. तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या मतलब, हमारे सारे वो जो होते हैं ना आप दिल के अरमा आंसू में बह गए वो वाली बात होगी, क्योंकि साइमा एक यू नो सैयद नूर उधर से क्लेम करें कि वो नए लोगों को लाएंगे और फिर साइमा को वो लीड में रख लेते हैं. सैड, हम तो खैर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए. अच्छा, इसके अलावा अनदर इंटरनेशनल एग्जाम्पल ऑफ बुरे काम का बुरा नतीजा, एमी एक्चुअली हुज़ अ सिंगर और यू नो वो रीहैब में थी एंड ऑल, और उनके पास 9 million का फॉर्चून होता था. यू सी शी हैड पैसे उन्होंने कमाए हुए थे 9 million pounds, अभी बहुत बड़ी अमाउंट है, विद इन वन ईयर, ओनली बिकॉज ऑफ हर वेरी लैविश लाइफस्टाइल, ओनली बिकॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन, ओनली बिकॉज ऑफ अल्कोहल एडिक्शन, 9 million की उनकी वो सारे पैसे कट डाउन होकर एक साल के अंदर, नाउ शी ओनली लेफ्ट विद 1 million pounds. वैसे नॉर्मल इंसान के लिए तो 1 million pound भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन अगर किसी बंदे ने इतनी मेहनत करके इतने सारे पैसे कमाए हों और फिर नशे और शराब में उड़ा दी हूँ, सो दैट्स वेरी रॉन्ग. All right, so now let's move on towards our second segment, which is as usual, ये क्या हो रहा है.